तो ये तो को गाइस इधर फाइनली हमारे गेम के अंदर न्यू कल्टीवेटर ऐड हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ गाइस इधर आज तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं फाइनली हमारे गेम के अंदर न्यू कल्टीवेटर ऐड हो चुका है, जो कि यार आप लोग देख ही सकते हैं मैं अभी कितनी ज्यादा आसानी से हमारे गेम के अंदर फार्मिंग कर सकता हूँ। और गाइस इधर कल्टीवेटर कितने ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। तो गाइस इधर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी मेरी तरह गेम के अंदर सबसे पहले न्यू कल्टीवेटर कैसे ले सकते हो और उसको कैसे चला सकते हो। तो गाइस इधर आज का गेम प्ले वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइस इधर वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हैं यार फाइनली हमारे इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम के अंदर न्यू कल्टीवेटर ऐड हो चुका है हमारे फार्मिंग मोड के अंदर, क्योंकि यार इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई यार जल्द से जल्द हमारे गेम के अंदर न्यू कल्टीवेटर ऐड करवाओ। तो हां गाइस आप लोग देख सकते हैं फाइनली हमारे गेम के अंदर न्यू कल्टीवेटर ऐड हो चुका है और मैंने हमारे ट्रैक्टर के पीछे न्यू कल्टीवेटर भी ऐड कर दिया। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यार कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है। और गाइस आप इसी तरीके से यार फार्मिंग मोड के अंदर कल्टीवेटर का यूज करके फार्मिंग कर सकोगे। और गाइस सबसे मेन बात यह कि आपको ये न्यू कल्टीवेटर कैसा लगा आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि यार मुझे तो ये न्यू कल्टीवेटर का अपडेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि गाइस बहुत ही ज्यादा अभी गेम खेलने में मजा आ रहा है, क्योंकि यार अभी फाइनली फार्मिंग मोड का मैप भी हमारे गेम के अंदर ऐड हो चुका है, उसके बाद यार इस मैप के अंदर कल्टीवेटर भी ऐड हो चुका है। तो गाइस आपको कल्टीवेटर के साथ साथ और कौन कौन से मशीनरी चाहिए इस फार्मिंग मोड के अंदर उसका नाम मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि गाइस जिस भी मशीन का नाम या फिर जिस भी व्हीकल का नाम मुझे कमेंट करके बताओगे वो जल्द से जल्द हमारे गेम के अंदर ऐड हो जाएगा। और हाँ गाइस आपको न्यू कल्टीवेटर कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने ट्रैक्टर के पीछे हमारा न्यू DJ भी अटैच कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग हमारे ट्रैक्टर को मॉडिफाई भी कर सकते हो, जहाँ गाइस इसके टायर चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो और आप इसका DJ भी चेंज कर सकते हो। तो ये तो गाइस मैंने फाइनली हमारे ट्रैक्टर के पीछे न्यू कल्टीवेटर को तो ऐड कर दिया है, लेकिन गाइस मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप भी कल्टीवेटर को ट्रैक्टर के पीछे ऐड कैसे कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे न्यू गेम प्ले वीडियोस आते रहते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गाइस अभी तक इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम का कल्टीवेटर का अपडेट अभी तक प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। जी हाँ गाइस, क्योंकि यार गेम के ऊपर अभी तक वर्क चालू है, हमारे गेम के अंदर और भी बहुत सारी न्यू चीजें ऐड होने वाली है। जैसे गेम के ऊपर का वर्क कंप्लीट हो जाएगा वैसे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर यह अपडेट अवेलेबल हो जाएगा। और हाँ गाइस सबसे मेन बात, आपको मुझसे अपडेट के बारे में पर्सनली बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने हमारे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो फटाफट उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे फ्लाइंग्स पर गेमिंग अकाउंट को फॉलो कीजिए। तो आई होप गाइस आपको ये न्यू कल्टीवेटर एंड ये न्यू गेम प्ले वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होगा। तो चलो दोस्तों यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।